दोस्तों हॉर्न का ख़राब होने का कारण सिंपल सा दोस्तों, जब उसका आपका कॉयल जो है वो ख़राब हो जाता है, मैग्नेट नहीं जनरेट होता तब ये दोस्तों ख़राब होता, नहीं तो हॉर्न ख़राब ही नहीं होता। यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ी से स्पार्क कर रहा है, आप देख सकते हैं, और इसी स्पार्किंग की वजह से और इसके मैग्नेट के खींचने की वजह से दोस्तों इसमें एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, वाइब्रेट होता है, जिसके कारण दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा लाउड होता है, और इसको पीछे एक वोल्ट होता है जिससे वो एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कि एक बाइक के हॉर्न के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण दोस्तों इतना ज़्यादा लाउड करता है, इतने ज़्यादा इसकी पिच होती है जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है। तो क्यों होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या इसके इंटरनल फंक्शनिंग क्या है, कैसे ये काम करता है, दोस्तों सब कुछ इसमें दिखाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आने के साथ साथ आप कोई भी बाइक का हॉर्न या किसी भी हॉर्न को रिपेयर भी करना सीख जाएंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसे खोलूँगा, खोल कर आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों जो हमारे पास हॉर्न है ये यूज एंड थ्रो है, इसे मतलब रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो फिर भी इसे मैं खोल रहा हूँ किस तरीके से, इसमें दिखाऊँगा इसका इंटरनल फंक्शन क्या है, क्योंकि इसमें खोलने के लिए कोई जगह नहीं, बिल्कुल सब फिक्स बैठ कर रहा है, फिक्स है, एकदम से फिक्स बना हुआ है। फिर भी इसे किसी तरह से हम खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, जिससे कि आप और कोई भी हॉर्न को रिपेयर कर पाएंगे, सेम टू सेम सब में वही फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो एक यहाँ पे एक आपको बोल्ट सा मिलेगा। ठीक है, सभी हॉर्न में ऐसा ही होता है, इसको खोलेंगे, पीछे से भी खुलता है। ठीक है, तो इसको हम आगे से खोलने वाले हैं, और कुछ हॉर्न में खोलने का तरीका और भी सिंपल होता है। ठीक है, ये यूज एंड थ्रो है दोस्तों, एकदम फिक्स वाला है, तो अगर इसे हम खोल भी देते हैं तो दोबारा इसे फिक्स नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको इसके इंटरनल फंक्शन को दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। ओके, तो पहले मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा हॉर्न है बिल्कुल अभी अच्छा है, अभी न्यू है। ठीक है, और एक आध वीडियो में इसको हमने यूज किया है, तो फिर भी देखते हैं बाइक हॉर्न जो हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन है इसमें। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। अब इसको खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, बिल्कुल लाइव आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे काम करेगा। ओके, चलिए फटाफट पहले इसके ऊपर की जो नट को इसको खोल लेते हैं, यहाँ से इसको हम खोलना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार इसके ऊपर के प्लेट को हटाने के बाद एक वार्सल हमें देखने को मिल रहा है, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हटा दिए हैं दोस्तों, तो एक बार फिर से चेक करते हैं कि इसको हटाने के बाद क्या यह अभी भी बजता है या नहीं बजता है, इसकी लाउड मतलब इसकी आवाज़ कैसी होती है। चलिए फिर इसको हटाने के बाद एक बार और चेक करके देखते हैं कि ये कैसा अब इस समय कर रहा, आवाज़ चल भी रहा या फिर बिल्कुल बंद हो चुका है। चलिए एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, फिर से हमने इसको लगाया और चेक करते हैं, इस ऊपर वाला प्लेट को सिर्फ हटाए हैं, अभी सब कुछ वैसे ही है, और देखते हैं इसको हटाने के बाद ही काम करता है, फिर ये काम करना बंद कर देता है। दोस्तों इसको हटाने के बाद ही दोस्तों अभी काम करना बंद कर दिया है, इससे इसका क्या कनेक्शन है दोस्तों अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल इसको हटाते ही ये बंद हो चुका है, देख सकते हैं। दोबारा से इसे हम इसमें टाइट करके देखते हैं कि ये चलेगा या बिल्कुल बंद ही हो गया, फिर से उसे फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको लगाने के बाद दोबारा ये चालू हो जाएगा या नहीं। इसको रख दिया, अभी भी नहीं कर रहा, बोल्ट को एक बार टाइट करके देखते हैं इसे। अब इसको दोस्तों हमने दोबारा से टाइट कर लिया, उसके बाद चेक करते हैं। देखिए दोस्तों दोबारा इसको हमने टाइट करने के बाद भी चेक किया तो इसमें अभी भी आवाज़ नहीं आ रहा, लगता है इसके इंटरनल फंक्शन से ही कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, इतना खोलते ही क्या हुआ दोस्तों, अभी हम पूरा खोल कर देखने वाले हैं कि इसके अंदर से क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, और इसको रिपेयर भी करेंगे हम, तो चलिए फटाफट देखते हैं इसको। अब इसको हमने दोबारा से टाइट कर लिया, उसके बाद चेक करते हैं कि फुल टाइट करने के बाद ये काम करता है या नहीं, तो अभी भी काम ये नहीं कर रहा दोस्तों, बैटरी भी हमारा ओके, सब कुछ बिल्कुल फिक्स है, कहीं कनेक्शन वगैरह में दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना खोलते ही ये हमारा जो है हॉर्न बिल्कुल बंद हो चुका है। अब इसको हम खोल कर देखेंगे कि इतना खोलते इसके अंदर आखिर क्या हुआ कि जिस कारण ये बंद हो गया। यहाँ पर डायोड भी देखिए चेक करके देखता हूँ, तो भी यहाँ पर जो आवाज़ नहीं कर रहा है, तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं। खोलना दोस्तों इसको बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा फिक्स है दोस्तों, एकदम बिल्कुल बंद है, सिर्फ यही ऊपर का जो प्लेट यही खुलता है यहाँ पे, और कोई खोलने का इसमें चांस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए तो फटाफट इसको हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। देखिए दोस्तों इसको प्लेट को हटाने के बाद यहाँ पर खोलने का चांस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पीछे एक बोल्ट है जिसे खोला जा सकता है लेकिन वो भी खुल नहीं रहा, आगे से देखें आगे से बिल्कुल हार्ड है ये, यहाँ से भी खोलने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड बैठा हुआ, ये तो खुल भी नहीं रहा, और इसको खोलने से दोस्तों हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसको हम खोल भी देंगे तो सिर्फ पीछे का ये जो है स्टैंड जैसा है उसमें लगाने वाला वही सिर्फ निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, इस हॉर्न को हमने काफ़ी अच्छे से चेक किया तो हमें पता चल गया दोस्तों कि इसे फाइनली आसानी से तो नहीं खोला जा सकता, इसे काट पीट कर ही यहाँ से खोला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रिंग जैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों इसमें, इसको हमें काट कर निकालना पड़ेगा, इसे तोड़ कर निकालना पड़ेगा, तभी ये जो
अंदर का इसका इंटरनल फंक्शन हम देख पाएंगे कुछ। दोस्तों इसको हम यहाँ पे खोलने की ट्राई कर रहे हैं, तो इसे कुछ इस प्रकार यहाँ से हटा रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों इसे किसी तरह से हम हटाते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इसके रिंग को हमने यहाँ से काट लिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा दोस्तों इसको काटने में, काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। तो अब चलिए दोस्तों इसको फटाफट यहाँ से खोलना शुरू करते हैं और इसके इंटरनल फंक्शन को हम देखते हैं कैसे वर्क करता है और कैसे इसमें इतना ज़्यादा लाउड होता है, इतना ज़्यादा आवाज़ होता है, क्या होता है दोस्तों सब कुछ पता चल जाएगा। और इसे दोस्तों आप कंप्लीट इसको रिपेयर करना भी सीख जाओगे। तो चलिए अब फटाफट हटाते हैं दोस्तों, अब हमारा काम थोड़ा आसान हो चुका है। चलिए प्लस की मदद से इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद इसको हमने यहाँ पे खोल लिया, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों, अभी मैं वन बाई वन करके आपको एक एक स्टेप आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। हॉर्न का दोस्तों मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल सा होता है, आप बड़े आसानी से इसको समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे रिपेयर भी कर पाएंगे। और चाहे तो आप खुद भी एक हॉर्न बना भी सकते हैं। आप बोलेंगे दोस्तों तो मैं एक हॉर्न आपको अलग से बनाकर दिखा दूंगा किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक जो बोर्ड जिसमें टाइट था वो देख सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर देख सकते हैं क्या है, ठीक है। ये दोस्तों वीडियो का फ्रेम से थोड़ा दूर हो रहा है, इसे थोड़ा कैमरे में लाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसे एक बार हम चेक करके देते हैं इस समय ये क्या काम करता है। तो देखिए अभी भी इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं हो रहा है, स्पार्क कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसका जो कॉयल है वो अंदर जो कॉयल बना हुआ था दोस्तों वो सही है, काम कर रहा है, ठीक है। दोस्तों इसको पूरा हम बाहर निकाल कर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा दोस्तों ये कैसे इसका काम है, कैसे ये काम करता है। तो अभी पहले ऊपर से इसे चेक करके मैं दिखाता हूँ कैसे इसमें इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ओके। इसको यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। ये देखिए किस तरह से इसको खींच रहा है नीचे की तरफ। दोस्तों इसमें करंट जाने के बाद ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिव में, ठीक है। जब दोस्तों इसमें हम 12 वोल्ट इनपुट करते हैं तो ये जो कॉयल है इसमें मैग्नेट जनरेट होता है, जिसके कारण दोस्तों इसको ये नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। और इसी के खींचने के कारण दोस्तों इसमें एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, जिससे इसमें आवाज़ आती है। अभी आप देखिए लाइव कितनी तेज़ी से इसे नीचे खींचेगा। सप्लाई देते हैं, देखिए जैसे इसमें सप्लाई गया 12 वोल्ट का, जैसे इनपुट गया काफ़ी तेज़ी से खींच रहा है दोस्तों। और ये इतना तेज़ खींच रहा है दोस्तों जिसके कारण इसमें जो है वाइब्रेशन बहुत ही तगड़ा वाइब्रेशन होता है, जिससे हमें ये हॉर्न में जो आवाज़ देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए जैसे लगा रहे हैं वैसे इसको ये खींच रहा है। अभी और अच्छे से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पार्क भी हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है। अभी देखिए ये देखिए कितना तेज़ी से स्पार्क कर रहा है दोस्तों। इस कॉयल को हम बाहर निकालने वाले हैं और बाहर निकाल के इस कॉयल को भी दिखाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा मैग्नेटिक क्षमता है, कितनी तेज़ी से ये पकड़ बनाता है, ओके। तो चलो फटाफट इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर इसके कॉयल को। तो फाइनली दोस्तों इसके कॉयल को भी हमने बाहर निकाल लिया, ये देख सकते हैं सिंपल सा दोस्तों ये कॉयल है एक, ठीक है। इसमें जो है एलुमिनियम का वायर यूज किया गया है, तो इसको मैं सिंपल से यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ जिससे इसमें सप्लाई दे सकें आसानी से, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक क्षमता को, मैग्नेटिक पावर को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं अब इसमें बाहर निकाल कर, ठीक है। सिर्फ वायर इसमें लपेटा गया दोस्तों, एक कुंडली बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें जैसे हम बार बार सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेट जनरेट होगा और इस जो है लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचेगा दोस्तों। यही सिंपल सा काम उसके अंदर भी होता है, मैं बाहर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप चाहो तो खुद भी ये कॉयल बना सकते हो दोस्तों, बस सिंपल सा आपको तार को ऐसे कुंडली जैसा बनाना है, ठीक है। थोड़ा दूर हो रहा है, देखिए किस तरह से खींच रहा है, ठीक है। इसमें जैसे ये लाइट जाता है वैसे ये मैग्नेट का काम करने लगता है, ठीक है। मैग्नेट इसमें जनरेट होने लगता है और ये आगे खींचने लगता है, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाली वीडियो में इससे मैं कोई और भी प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखाऊँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कैसे मैग्नेट इसमें बन रहा है, ओके दोस्तों। तो एक हॉर्न के अंदर दोस्तों इंटरनल फंक्शन यही होता है सिंपल सा, इसमें जो मेन काम करता है दोस्तों यही कॉयल का होता है। ये जब ख़राब हो जाता है तभी आपका हॉर्न ख़राब होता है, नहीं तो दोस्तों आपका हॉर्न ख़राब नहीं होता, बस पीछे एक स्क्रू लगा होता है उसी से आपको अपने हॉर्न के जो आवाज़ को तब फिक्स किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, उसे एडजस्ट कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो सिंपल सा यही मैकेनिज्म था इसको, जिसको मैंने लाइव आपको पूरा ए टू जेड खोलकर दिखा दिया। इससे आप इसको रिपेयर भी आसानी से कर पाएंगे और इसकी मैग्नेटिक पावर को तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में ज़रूर मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।